जी बड़ा अच्छा था शुरू से, आखिरी 2 घंटे मेरा ख्याल है थोड़ा सा हम लोगों ने मिस किया। मेरा ख्याल है मुझे बैट्समैन को क्रेडिट देना पड़ेगा जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया हमारी बॉलिंग को आखिरी 2 घंटे में। बॉल हो रहा था, ऐसा नहीं है कुछ नहीं होता, लेकिन वो बहुत अच्छा खेला दोनों, बड़ी मैच्योर इनिंग खेला बटलर और उसके साथ जो डेंट था, दोनों बहुत अच्छा खेला। तो मेरा ख्याल है कि सुबह आके अब हम अगर राइट एरियाज को हिट करेंगे तो, क्योंकि नया बॉल भी आने वाला है, तो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आउट करें क्योंकि हम लोगों को कम टारगेट मिले। असल पाकिस्तान की पिछले चंद सालों में थोड़ी प्रॉब्लम रही है लो टारगेट्स चेस करने में, किसी भी तरह की नर्वसनेस है भी टीम में? नहीं, मेरे ख्याल ऐसा कोई है बात हुआ है एक दो, तो आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, लेकिन सब बहुत कॉन्फिडेंट है, सब ये बात करें कि जो भी टारगेट मिलेगा उसको इंशाल्लाह चेस करने की कोशिश करें। और आयरलैंड के खिलाफ आपने चेस करा था, उससे कॉन्फिडेंस आपको लेंगे? हाँ जी बिल्कुल, स्पेशली जो दोनों नए लड़के हैं उन्होंने जिस तरह बैटिंग की थी उससे उन दोनों को भी और फिर पूरी टीम को भी एक कॉन्फिडेंस मिला था कि अगर शुरू में आउट भी हो जाते हैं एक दो तो फिर किस तरह से संभालना है और किस तरह से चेस करना है। असद, 8 सेशन पाकिस्तान ने इस टेस्ट मैच में डोमिनेट किया, 9वां सेशन जो था पहली बार इंग्लैंड जो थोड़ा सा उसका अपर हैंड नजर आया, तो कितना समझ रहे हैं कि टारगेट इस पिच को और कंडीशंस को देखते हुए, और कल बारिश की भी फोरकास्ट है कि पाकिस्तान इजीली उस टारगेट को अचीव कर ले? देखिए हमारी कोशिश तो यही होगी कि एज सून एज वी कैन जो है आउट करें उनको, क्योंकि नया बॉल आपको पता है कि आने वाला है और इस विकेट पे नया बॉल खेलना इतना आसान नहीं है, स्पेशली आमिर और अब्बास जिस तरह बॉल कर रहे हैं नए बॉल से, तो मुश्किल होगा उन लोगों के लिए इन दोनों को हैंडल करना। तो हमारी यही कोशिश हुई कि ये पार्टनरशिप जो है वो जल्द से जल्द ब्रेक करें, क्योंकि इसके बाद फिर टेल शुरू हो जाएगी, और यही कोशिश है कि जल्द से जल्द आउट करें। असद, ऐसी सिचुएशन जब होती है कि कोई पार्टनरशिप लंबी लग जाती है, जैसे 125 रन की लग गई, तो सीनियर प्लेयर्स लाइक जैसे आप भी हो, बताते हो जाके कप्तान को कि हरे सुरेल भी है, मैं भी थोड़ी बॉलिंग कर लेता हूँ? हाँ जी बिल्कुल, बात होती रहती है सरफराज से, और वो खुद भी जब कभी वो उसको लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए, या जब कभी हमें लगता है कि हमें उससे बात करनी चाहिए, तो हम लोग बात करते रहते हैं, मैं अजहर भाई हारिस जो हम स्लिप में स्पेशली खड़े होते हैं, तो हमारे जहन में जो आइडिया आता है वो हम उसको देते हैं, कभी उसको वो क्लिक करता है कभी वो नहीं करता, लेकिन हमारे जहन में जो भी आता है वो बात उससे हम करते हैं और वो उसे बिल्कुल करता है अपना। देखिए थोड़ी थोड़ी दोनों चीजें हैं, क्योंकि आज धूप भी रही है ज्यादातर थ्रू आउट द डे जो है वो धूप भी रही है, और फिर एक एक स्पेल के बाद वैसे ही बॉलर की एनर्जी थोड़ी डाउन होती है, और फिर बैट्समैन को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उनके बैट्समैन ने जो है वो जिस तरह बैटिंग की, पहले सी ऑफ किया उसके बाद फिर अटैक किया, तो बड़ी सेंसिबल पार्टनरशिप बिल्ड की उन्होंने। नहीं डिस्कस नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा ख्याल है ये पिच जो है वो फास्ट बॉलर्स के लिए ज्यादा हेल्पफुल है, तो स्पिनर्स के लिए इतना कुछ है नहीं इस पिच में, तो फास्ट बॉलर हमारे पास 4 हैं, तो हम ये ट्राई कर रहे थे कि बार बार उनको ही लेके आए, क्योंकि फास्ट बॉलिंग के लिए ये पिच अच्छी है। असल जो सिचुएशन बन रही है, पाकिस्तान जब चौथी इनिंग्स खेलेगा तो कोई अगर वर्स्ट सिचुएशन होती है तो बाबर आजम बैटिंग के काबिल है कि आके कुछ बॉलें खेले, या कुछ अगर 15-20 रन हो तो बाबर आजम को बैटिंग के लिए? देखिए कल उसने एक्सरे करवाया और एक्सरे बहुत अच्छा नहीं आया, आपको पता ही होगा, लेकिन वो स्टिल अभी भी टीम के साथ है, और ये देखिए मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि क्या करना है। आई होप कि ऐसी सिचुएशन ना आए कि उसको बैटिंग की जरूरत पड़े, लेकिन अगर सर जरूरत पड़ी तो ये टीम मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। सर ड्यू का बॉल लगा हुआ इसमें, आप अभी पिछले सीजन में फर्स्ट क्लास में ड्यू का बॉल भी लगाया गया था, आप समझते हैं कि हमारे बॉलर्स ने उस तरीके से ड्यू का बॉल यूज़ किया है, और आप एज अ बैट्समैन उसको खेले हैं इस कंडीशन के अंदर, कुछ फेवर मिला है जो डोमेस्टिक में आप लोग इस बॉल को यूज़ करके आए? हाँ जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है बॉलर ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, क्योंकि लेकिन 1 महीना हो गया हम लोगों को यहाँ आएगा, और उससे पहले भी फर्स्ट क्लास में आप जिस तरह बता रहे हैं ड्यूक का बॉल, तो सबको फेयर आइडिया हो गया था कि किस तरह से बॉल स्विंग होता है इसको, जब नया बॉल के बाद जब 20-25 ओवर बाद ये बॉल करना होता है तो वो किस तरह करना होता है,
तो सबको फेयर आइडिया था, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की मेरा ख्याल है। और एज अ बैट्समैन भी हम लोगों को, मैं 5-6 मैच खेला हूँ फर्स्ट क्लास के, और भी प्लेयर्स खेले सारे, तो हमें यही आइडिया था कि स्विंग स्विंग जो है ये होता रहता है, ये ऐसी सिचुएशन नहीं आती इसमें कभी जो है वो कॉन्स्टेंट जो है स्विंग होना बंद हो जाए, तो ये बिल्कुल बात हमारे जहन में है कि स्विंग यहाँ पर होता रहेगा। असद, टेस्ट मैच के पहले दिन स्मार्ट वॉच के हवाले से खबर आई, और आप कब से इस्तेमाल कर रहे थे स्मार्ट वॉच, और क्या काम उन्होंने आपसे कि आप आइंदा इस्तेमाल ना करें इसको? मैं बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे नहीं, पिछले कुछ महीनों से इस्तेमाल कर रहा था, और फिर जो है वो मैनेजमेंट ने मुझे बोला कि अब नहीं इस्तेमाल करें, तो फिर मैंने वो यूज़ नहीं की। असद, कोई टारगेट डिस्कस किया टीम ने कि 150 से नीचे रिस्ट्रिक्ट करना है इनको या 100? हाँ देखें, ये मेरा कहने का मतलब है कि कोशिश तो हम यही करेंगे कि जल्द से जल्द उनको आउट करें, अगर मैक्सिमम जो है वो 150 तक कोशिश करेंगे कि उससे नीचे आउट करें, क्योंकि फोर्थ इनिंग है, फिर हमारी हमें बैटिंग करनी है, और यही कोशिश होगी कि इससे ऊपर ना उनको जाने दें। No, I don't think we did anything wrong. I think we should give credit to English batsman, especially the debutant. He played really well, and the butler, the way the both came back and batted, and I think this partnership is really good for them, and they will try to break this partnership as soon as we can tomorrow morning with the new one. Sorry, you may have already answered this, but what kind of score would you be confident chasing on that pitch? We will try to, get them as soon as we can. We will not be happy to chase anything over 150. Thank you.